नमस्कार दोस्तों, आज हम Redmi Note 9 Pro में 0-100% चार्जिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कितने टाइम में चार्ज फुल होता है। ये फोन मैंने अमेजोन सेल से 16,000 का ऑर्डर किया था। ये 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट का फोन है। इसमें आपको 5020mAh की बैटरी मिल जाती है 18W के चार्जर के साथ। चलो मिली एम्पियर चेक कर लेते हैं। मिनिमम 2050 मिली एम्पियर दे रहा है और मैक्सिमम 2560। बैटरी आपको लीपोली की मिल जाएगी। चलो फोन को 0% करते हैं और 0-100% चार्ज टेस्ट करते हैं। मैंने चार्जर प्लग इन कर दिया है और साथ में स्टॉपवॉच भी लगा दिया। अब 20 मिनट बाद देखते हैं कितना चार्ज होता है। देख सकते हो 20 मिनट हो चुका है और हमारा फोन 23% चार्ज हुआ है। अब एक घंटे बाद देखते हैं फोन कितना चार्ज होता है। यहाँ पर एक घंटा हो चुका है और हमारा फोन 67% चार्ज हुआ है और थोड़ा फोन हीट भी हुआ है। अब फोन को फुल चार्ज करके देखते हैं कितना टाइम लगता है। आप देख सकते हो 2 घंटा 5 मिनट हो चुका है और हमारा फोन 99% चार्ज हुआ है। 2 घंटा 12 मिनट में हमारा फोन फुल चार्ज हुआ, मतलब 67% एक घंटे में हो गया और 33% एक घंटा 12 मिनट में हुआ। 80% के बाद ज्यादा टाइम लगा चार्ज होने के लिए। सारे फोन लास्ट में टाइम लेते हैं, ये नॉर्मल है, बट मेरे ख्याल से 15-20 मिनट और जल्दी हो जाता तो सही था। पर 18W का चार्जर है, 5020mAh की बैटरी है तो ये भी ठीक है। अगर आपको इस फोन के ऊपर और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इसी के साथ चलता हूँ दोस्तों, खुश रहो और ख्याल रखो अपना।